यस क्लास, अपना टॉपिक चल रहा है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट। इससे पहले अपने ब्लड ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज मेनली अपना टॉपिक हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर है और हार्ट से कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पढ़ेंगे। पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में, वो एक बार वापस समझ लेते हैं। देखो, सबसे जो पहले जो ब्लड है ना, बॉडी ऑर्गन से थ्रू वीन, वीन के द्वारा, ये देखो मैंने बनाया है वीन से, ये वीन है, वीन से होता हुआ हार्ट में जाता है और हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जाता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन से वीन से होता हुआ, वीन ले जाती है बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में और फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये लंग्स में जाता है। लंग्स में ये जो इम्प्योर ब्लड है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि लंग्स में अपने जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स में पहुंचती है। हमने पढ़ा हुआ पूरा एल्वियोलाई जो है डिफ्यूजन के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में दे देती है, लंग्स में होता है ये काम। तो लंग्स में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इम्प्योर ब्लड, यानी प्योर हो जाता है। फिर ये प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी वीन द्वारा हार्ट में आता है, हार्ट से ये आर्टरी द्वारा बॉडी ऑर्गन में चला जाता है। ये प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड जो है आर्टरी हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ले आती है और फिर इस प्योर ब्लड का यूज़ हो जाता है हमारी बॉडी ऑर्गन यानी सेल्स में या बॉडी पार्ट में जो कह सकते हैं, वहाँ पर यूज़ होके ये फिर जो क्या हो जाता है इम्प्योर हो जाता है। CO2 मिल जाती है इस ब्लड में, ऑक्सीजन ले ली जाती है, इम्प्योर हो गया तो ये वीन, वीना केवा द्वारा हार्ट में आ जाता है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट का शेप कैसा होता है। हार्ट जो है फोर चैम्बर्ड होता है, हार्ट जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर है, ऊपर वाले दो चैम्बर है वो होते हैं ऑट्रियम, ऊपर वाले दो चैम्बर जो ऑट्रियम होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े स्मॉलर होते हैं साइज़ में, किसकी तुलना में, नीचे वाले दो वेंट्रिकल की तुलना में। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, एक रफ डायग्राम, ऊपर वाले ऑट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले साइज़ में थोड़े स्मॉलर होते हैं, नीचे वाले साइज़ में थोड़े लार्जर होते हैं, रिलेटिवली लार्जर होते हैं। राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम ऊपर वालों को बोला जाता है, नीचे वालों को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ऑट्रियम अकेला है तो उसको ऑट्रिया बोलते हैं, सिंगुलर ऑट्रिया। ठीक है, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है, उस वॉल को ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं या राइट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। राइट साइड में ऑट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो राइट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो कि ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो होता है राइट ऑट्रियम या ऑट्रिया और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में, यहाँ पर ये वॉल होता है। उसी तरह जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वॉल होता है, उस बाइकस्पिड वॉल को लेफ्ट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। ऑट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए लेफ्ट ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहा जाता है। अपना जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में इम्प्योर ब्लड जो वीन लेके आती है। ठीक है, वीन कहाँ लाती है, अपने राइट ऑट्रियम में लाती है, राइट ऑट्रियम में आती है, तो राइट ऑट्रियम से फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल खुलने से ये आ जाता है अपने राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ जाता है और फिर यहाँ से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाता है, फिर वहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, प्योर होता है, प्योर होके पल्मोनरी वीन द्वारा ये आ जाता है अपने लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम
से जो बाइक स्पीड वॉल होता है वो खुल जाता है, उसके ओपन होने से ये ब्लड आ जाता है अपने किस में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड जो है एरोटा, एरोटा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, तो वाया एरोटा यानी लार्जेस्ट आर्टरी से या आर्टरी से ये प्योर ब्लड जो है अपने बॉडी ऑर्गन में आ जाता है, फिर यहाँ पे यूज़ होता है, इम्प्योर हो जाता है। तो इस तरह से ये ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स से, लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में, ठीक है, इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो हार्ट के बारे में अपने बात कर रहे हैं, हार्ट 4 chambered होता है ह्यूमन हार्ट, उसमें ऊपर वाले 2 ऑट्रियम होते हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है, इनके बीच में वॉल क्या होते हैं वो हमने बता दिया। हार्ट जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो रेड कलर्ड होता है और अपनी जो क्लोज फिस्ट होती है उसके शेप का होता है, रेड कलर का होता है, क्लोज फिस्ट के शेप का होता है। इसके इस हार्ट के चारों ओर एक डबल वॉल टिश्यू होता है, उस टिश्यू को या मेम्ब्रेन होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में एक फ्लूड होता है, उस फ्लूड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो डबल होती है उसके बीच में एक फ्लूड होता है, लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड। ये फ्लूड जो है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क करता है कि हार्ट के जो एक्सटर्नल शॉक होते हैं, बाहर से जो झटके लगते हैं हार्ट के ऊपर, उससे प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है हार्ट को, एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल झटकों से बचाता है पेरिकार्डियल फ्लूड, जो कि पेरिकार्डियम की वॉल, पेरिकार्डियम के बीच में होता है, डबल वॉल के बीच में। हार्ट अपना जो है मस्कुलर टिश्यू होता है, हार्ट जो है मस्कुलर टिश्यू है, और हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आता है, एक सर्कुलेशन में हार्ट में ब्लड 2 times होता है, एक जो सर्कुलेशन होता है ये पूरा, उसमें हार्ट में ब्लड 2 times आता है। देखो पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड थ्रू वीन हार्ट में पहुँच गया, हार्ट से ये चला गया लंग्स में, लंग्स में ये प्योर होकर फिर हार्ट में आ गया, फिर प्योर ब्लड जो है वो बॉडी ऑर्गन में, तो 2 times आ गया, एक बार इम्प्योर ब्लड आ गया और एक बार प्योर ब्लड आ गया। तो ये जो सर्कुलेशन है जिसमें 2 times हार्ट में ब्लड पहुंचता है, इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, हिंदी में दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में एक सर्कुलेशन में 2 times ब्लड आता है, एक बार इम्प्योर ब्लड, एक बार प्योर ब्लड। और ये जो वाल होते हैं, ये वाल क्या करते हैं काम, एक तो ब्लड को आने देते हैं ऑट्रियम से वेंट्रिकल में, लेकिन इसको रिवर्स नहीं जाने देते, रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड को नहीं जाने देते, ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है लेकिन वेंट्रिकल से ऑट्रियम में वापस नहीं जाने देता, ये वॉल बंद हो जाता है। उसी तरह ये प्योर ब्लड जो है ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, लेकिन ये जिसका जो बाइक स्पीड वॉल है इसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाने देता, ठीक है। एक कार्डियोवैस्कुलर मसल होती है हार्ट में, कार्डियोवैस्कुलर मसल, ये वैस्कुलर मसल जो है हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, कार्डियोवैस्कुलर मसल हार्ट की एक्टिविटी जो हमने अभी बताई उसको कंट्रोल करती है। इस कार्डियोवैस्कुलर मसल को पेसमेकर बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मसल को पेसमेकर कहा जाता है। हार्ट का, हार्ट से जो ऊपर से नीचे ब्लड आता है, ठीक है, राइट या लेफ्ट से, लेफ्ट में, तो ये जब वाल खुलता है और बंद होता है, वॉल जब ओपन होता है और क्लोज होता है, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को बोलते हैं लब डब, लब डब, जो अपनी हार्ट बीट होती है, यहाँ अपने को सुनाई देती है ना हार्ट बीट, वो साउंड जो लब डब होती है उसे ही हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट का ये जो पंप होता है, हार्ट से जब ब्लड पंप होता है, चाहे प्योर ब्लड हो चाहे इम्प्योर ब्लड हो, वो किस कारण होता है कि हार्ट जब, हार्ट का ऑट्रियम और वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट के ऑट्रियम और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है या पंप होता है। तो ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं
कॉन्ट्रैक्शन को तो बोलते हैं सिस्टॉल, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टॉल, और रिलैक्सेशन को डायस्टॉल कहा जाता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है सिस्टॉल और रिलैक्स होता है तो डायस्टॉल। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, वेंट्रिकुलर एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड जो है वो पंप होता है हार्ट से, ठीक है। तो ये था अपना ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में, और बड़े क्वेश्चन भी बोर्ड में ज़रूर आता है इसमें से, कि हार्ट की स्ट्रक्चर बताओ और हार्ट से ब्लड का पंप कैसे होता है वो बताओ। देखो इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको ध्यान में रखना है। जैसे ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में वैसे तो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर का होता है। वीन में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन पल्मोनरी वीन में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लार्जेस्ट आर्टरी जो है एरोटा है। ह्यूमन का हार्ट का चैम्बर कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। और ह्यूमन में जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप का होता है? तो डबल सर्कुलेशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर मिलाकर आप स्ट्रक्चर हार्ट के लिखोगे तो बड़े क्वेश्चन में भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज अपने एक और चीज़, इसमें क्या होता है कि आर्टरी की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है। आर्टरी की जो वॉल जो है वो थिक होती है, किसके कंपैरिजन में? वीन की वॉल से। वीन की वॉल जो है वो थिन होती है। अब क्यों होती है थिक? क्योंकि हार्ट जो है ना ब्लड को, प्योर ब्लड को, हार्ट जो है वो प्योर ब्लड को आर्टरी में फास्टली पंप करता है, तेज़ी से पंप करता है। तो इस कारण आर्टरी की जो वॉल है वो थोड़ी मोटी होती है वीन की वॉल के कंपैरिजन में। वीन की वॉल थिन होती है और आर्टरी की वॉल थिक होती है, क्योंकि प्योर ब्लड जो है हार्ट वो आर्टरी में पंप करता है, ठीक है। थैंक यू।